Hi everyone, welcome to subject digital and social media marketing. This is lecture 14, Twitter marketing and their strategies. So class, अगर हम previous lectures के previous videos की बात करें तो उसमें हमने Facebook marketing के बारे में जाना था कि basically Facebook marketing क्या होती है, किस किस तरह से हम marketing कर सकते हैं Facebook के features का use करके, या क्या क्या ऐसे formats होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, advertisement कर सकते हैं, social media platform कौन कौन से होते हैं, social networking sites या बिजनेस नेटवर्क की साइट्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लियर करी थी. नाउ कम टू द व्हाट इज़ ट्विटर मार्केटिंग एंड देयर स्ट्रेटजीज़, यानी कि ट्विटर मार्केटिंग क्या होती है और उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, उसको आज हमें समझना है क्लास. तो बेसिकली ट्विटर मार्केटिंग हमें समझ में आ गई, ये भी आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो. जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर ब्रांड है, जो भी उसकी सर्विसेज हैं, आप उन्हें उनका आप प्रमोशन कर सकते हो अपने टारगेटेड ऑडियंस को, है ना, उन तक आप पहुंच सकते हो. सो क्लास, यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई क्या कि ट्विटर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, उनका फीचर्स का यूज़ करके आप और अच्छे से अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो. अब बात यह आती है कि स्ट्रेटजी क्या होती है. स्ट्रेटजी बेसिकली अ प्लान सेंटर्ड अराउंड क्रिएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट फॉर योर बायर्स, ऑडियंस एंड फॉलोअर्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यानी कि आपका क्या काम होगा कि बेसिकली आपको क्या काम करना होगा यहाँ पे, कि आपको जो भी आपका कंटेंट है उसको क्रिएट करना, पब्लिश करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो भी आपके बायर्स हैं, जो भी आपके ऑडियंस हैं और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं. यानी कि आपके जो हमारा पर्टिकुलर मोटिव रहता है या हमारा एम यही रहता है कि जो भी आपके न्यू फॉलोअर्स हैं वो अट्रैक्ट करें, जो भी आपकी कन्वर्सेशन है वो बूस्ट हो, आपका जो ब्रांड है वो इम्प्रूव करे और जो भी आपकी सेल्स है वो क्या हो जाए, आपकी इंक्रीज हो जाए. सो नाउ कम टू द व्हाट आर द पॉइंट्स विच हेल्प इन टू मेक स्ट्रेटजी. तो यानी कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, तो क्लास हमारे पास यहाँ पे चार पॉइंट्स हैं, चार स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होंगे पर्टिकुलर उस स्ट्रेटजी को कम्प्लीट करने के लिए. यानी कि जो पहला हमारा क्या है, रिसर्च योर बायर पर्सनाज एंड ऑडियंस. यानी कि हमें अपने पर्टिकुलर बायर्स को, अपने ऑडियंस को, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उस पर रिसर्च करनी होगी, जो भी उनके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं या इंटरेस्ट हैं उसे हमें जानना होगा. क्रिएट यूनिक एंड एंगेजिंग कंटेंट, यानी कि हमें इस तरह कंटेंट, इस तरह का पोस्ट हमें बनाना होगा, हमें इस तरह कंटेंट हमें रेडी करना होगा ऐसा कि जो कि यूनिक हो और एंगेजिंग हो. यानी कि मतलब उस तरह से हम बनाएं कि जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख के क्या हो, अट्रैक्ट हो और उससे एंगेज रहे. तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ कम टू द थर्ड स्टेप विच इज़ ऑर्गेनाइज अ शेड्यूल फॉर योर पोस्ट. अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पोस्ट की, तो हमें जो भी हमारे पोस्ट हैं उसका हमें क्या रखना पड़ेगा, शेड्यूल रखना पड़ेगा. यानी कि उसका शेड्यूल हमें ऑर्गेनाइज करना होगा. यानी कि जो भी अगर हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो पोस्ट आपकी कब शेयर की जाए, किस दिन शेयर की जाए, किस टाइम शेयर की जाए, तो ये सब चीज़ें भी क्या होंगी, इनका भी क्या होगा, एक शेड्यूल ऑर्गेनाइज होगा. यानी कि कोई एक ऐसा टाइम होता होगा, कोई एक ऐसा डे होता होगा जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूअर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोस्ट जो हैं लोग उसे देखें, व्यू करें, तो वो चीज़ों उस चीज़ के लिए भी आपका क्या होगा, पर्टिकुलर एक शेड्यूल ऑर्गेनाइज किया जाएगा. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेप विच इज़ एनालाइज योर इम्पैक्ट एंड रिजल्ट. यानी कि जो भी आपका रिजल्ट है या आपका जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उस पर एनालाइज करना. तो क्लास ये सारे जो भी आपके पॉइंट्स हैं, किसके पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे स्टेप्स इसके हैं कि आपको कोई भी, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, किसी भी अगर हम मार्केटिंग की बात करें, कोई भी अगर मार्केटिंग है, अगर उसकी अगर हम एक स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं करेंगे, उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी हमारे स्टेप्स हैं अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, तो क्लास वहाँ पे हम और अच्छे से उस पर्टिकुलर मार्केटिंग को अगर हमें करना है, मार्केटिंग अगर हमें करनी है, तो हम और अच्छे से उसे नहीं कर पाएंगे. तो क्लास कहीं ना कहीं अगर हम एक स्ट्रेटजी लेके चलें, एक प्लान करके चलें, तो हम और बेटर वे में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका और एक अच्छा रिजल्ट हम गेट कर सकते हैं. अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि ट्विटर को यूनिक बनाते हैं. यानी कि हम अब फीचर्स की बात कर रहे हैं कि ट्विटर करता क्या होगा. बेसिकली ऐसे जो मार्केटिंग टूल है ट्विटर आपका, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि उसे ग्रेट बनाते हैं, है ना, जो कि लोग उस पर्टिकुलर टूल को, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए उसे यूज़ करते हैं.
तो पहला क्या है, इट अलाउज यू टू शेयर एंड प्रमोट ब्रांडेड कंटेंट इन सेकेंड्स, यानी कि आप कुछ ही सेकेंड्स में अपने पर्टिकुलर ब्रांड को, अपने कंटेंट को प्रमोट और शेयर कर सकते हो, अपने रीच को एक्सपेंड कर सकते हो। जो भी आपकी कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है, आप क्या कर सकते हो, क्विकली उसे प्रोवाइड कर सकते हो अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स, अपने यूजर्स को। एक ये सर्च इंजन टूल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हो एंड देयर मार्केटिंग कंटेंट टू सी विच टैक्टिक्स दे आर यूजिंग। और आप ये भी देख सकते हो कि वो अपने मार्केटिंग के लिए किस तरह का कंटेंट जो शेयर कर रहे हैं या कौन कौन सी टैक्टिक्स वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप ट्विटर मार्केटिंग की तरह यूज़ कर भी सकते हो। तो ये क्लास, इससे कुछ फीचर्स ऐसे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपनी ट्विटर पे आईडी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से क्रिएट करते हैं कि उसमें आपके कुछ यूज़र नेम हैंडल्स होते हैं, या आप उसके अपने वेबसाइट का नाम दे सकते हो, या अपनी लोकेशन बता सकते हो, है ना। तो आप इस तरह से आप लिस्ट या मोमेंट से आप बता सकते हो, कुछ आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे और अच्छे से मार्केटिंग हो सकती है, और अच्छे से हम अपनी अप्रोचेबिलिटी, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया भी है क्लास, जैसे कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पे क्या, कि हम ये जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो भी वो टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका कंटेंट हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, उसे हम उसमें क्रिएट करके हम जो भी हमारे चैट्स हैं, चैट्स का यूज़ करके हम वहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी किसी की भी चैट है या किसी का भी कोई भी कन्वर्सेशन है, तो हम वो देख सकते हैं उसके थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी आपको, यहाँ पे हम ट्विटर चैट का यूज़ कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे भी क्लास। अगर हम ट्विटर चैट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या काम करते होंगे, ट्विटर चैट के लिए अगर हम देखें तो ट्विटर लिस्ट भी हम क्रिएट करते हैं। अगर हम ट्विटर चैट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्विटर चैट से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे कि हमने यहाँ पे हैशटैग हू चैटर की हमने बना रखा है ना। तो इस तरह से हम क्या काम कर सकते हैं, ट्विटर चैट भी एक ऑप्शन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास, यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई क्या, कि हमने यहाँ पे ट्विटर चैट का यूज़ किया, यूज़र हैंडल का तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, और उस चैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर अपने इस टूल को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, इस प्लेटफॉर्म को हम सर्च इंजन टूल की तरह भी क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें या बहुत सी कंपनियों के बारे में हम जान भी सकते हैं। इट अलाउज यू टू कन्वर्स विद योर फॉलोअर्स, यानी कि जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनसे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आप शेयर कर सकते हो अपनी कंपनी के बारे में, और अपनी ऑडियंस को या क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन्हें हम इंक्रीज कर सकते हैं, और जो भी ब्रांड की अवेयरनेस है उसे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, इसे, इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, तो यही सारे फीचर्स क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। तो क्लास, यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई, बेसिकली जो ट्विटर है आपका, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको भी हम मार्केटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके सिमिलर भी हैं, और जो आपके और अगर और प्लेटफॉर्म से कंपेयर कराएं तो उससे सिमिलर भी हैं, कुछ डिसिमिलरिटी भी हैं, लेकिन जो इनका एक एम है, मोटिव यही है कि आप इसे एज अ मार्केटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।